आज आप सबको यहाँ बुलाया है, साथ में मेरे भाई बड़े शमशेर आज हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट को, या मैं विधायकों की बात करूं या विपक्ष के विधायकों की बात करूं, या जो इस सरकार में आपस में एक लाख नहीं रहा, गठबंधन सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, जिसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, और खमियाजा भी इस कदर के सीवरेज सफाई जैसी समस्या हरियाणा के मुख्यमंत्री के संज्ञान में हो और दो साल बीत जाए और वो एरिया आज भी सीवरेज की समस्या से ग्रस्त। ये मेरी विधानसभा की बिटिया कामनी है, इसने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया कि दो साल पहले मुख्यमंत्री जी मेरी बारात कैसे आएगी, मेरे घर के बाहर सीवरेज का पानी खड़ा है, मुख्यमंत्री जी ने वो टेम्परेरी सफाई करा दी, उसके बाद धन्यवाद ले लिया, धन्यवाद दे दिया, उस बिटिया ने शादी का निमंत्रण भी भेजा और उसके बाद हालात जस के तस हैं। ये मौजूदा स्थिति उस हालात की, लोग कैसे जिएंगे बिना बारिश के, जब ये समस्या का कहीं से समाधान नहीं हुआ। विधानसभा में प्रश्न लगाया मैंने, विधानसभा में टलका दिया गया पैसे का बहाना बना के, नगर निगम के पास फंड नहीं है, ये मेरा विधानसभा का प्रश्न। उसके बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे यहाँ ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन थे, उनके समक्ष मैंने ये मुद्दा उठाया और उन्होंने इस चीज की सराहना करी कि भाई कोई विधायक के क्षेत्र में विशेष समस्या है जो वो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में लेके आए। उन्होंने 24 सितंबर को तत्काल आदेश दिए कमिश्नर से नगर निगम को कि आप स्वयं मौके पे जाइए विधायक जी के साथ, हालात देखिए और अगली मीटिंग में हमें बताइए। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे यहाँ ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन रहे, हमें बड़ी खुशी थी कि भाई चलो मुख्यमंत्री जी आएंगे हर महीने, हमारे इलाके की समस्या सुनेंगे और समाधान भी होंगे। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब ये मेरा एजेंडा पढ़ा गया, मुख्यमंत्री जी ने पूरा एजेंडा भी नहीं पढ़ने दिया गया, जो सरकारी अधिकारी एजेंडा पढ़ता है बस NIT 86 नीरज शर्मा बोला होगा, इतने पता नहीं क्या करंट लग गया। अरे भाई विपक्ष के विधायक हैं, जनता ने हमें चुनके कोई गलती नहीं करी, एक तरफ आप कहते हो सबका साथ सबका विकास है, मैं पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ, क्या NIT 86 के मुख्यमंत्री नहीं है आप, क्या उस इलाके के मुख्यमंत्री नहीं है जहाँ आपकी आपने कई वर्ष बिताए। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज के बाद विधायक ग्रीवेंस कमेटी के अंदर जनता का कोई मुद्दा लेके नहीं आएंगे, जनता की समस्या लेके नहीं आएंगे। तो मैं आपके माध्यम से, वहाँ तो हमें बोलने नहीं दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी विधानसभा का सेशन तो डेली होता नहीं है, हमारे कोई व्यक्तिगत काम नहीं थे, ये जनता की समस्या, जब आप ग्रीवेंस कमेटी में नहीं सुनोगे तो कहाँ सुनोगे, और ग्रीवेंस में एजेंडा लगा पड़ा है, आपको कोई नया कानून नया प्रथा बनानी थी आप आगे से बनाते, कम से कम जब मेरा एजेंडा नंबर 8 लगा हुआ है आप उनकी कंप्लेंट को सुनते, अफसरों का वर्जन सुनते, मेरा वर्जन सुनते। नेचर ऑफ जस्टिस ऑफ लॉ भी कहता है कि सामने वाले की बात सुनो उसके बाद कोई फैसला दो, आप ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन होने के नाते फैसला देने की स्थिति में होते, आपने सामने वाले की बिना सुने ही फैसला दे दिया, ये भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है, विधायकों के क्षेत्रों की अनदेखी हो रही है। जबकि मुख्यमंत्री जी को उस मीटिंग में हमें तो उम्मीद ये थी कि कमिश्नर छोड़ो सेक्टरी लोकल बॉडी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री 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 होते हैं कि भाई दो साल हो गए सीवरेज साफ क्यों नहीं हुआ, ऐसी क्या कमी आ रखी है। उसके बाद हमारी इस व्यथा से भाई गोपी जी भी बड़े व्यथित हुए, और भी हमारे साथी थे आज नहीं आ पाए, आदमपुर जा रहे, और गोपी जी ने कहा कि नीरज भाई इन्होंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया है, इस मुद्दे को हम सब विधानसभा में उठाएंगे भी कि भाई जब विधायक ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में अपने क्षेत्र की समस्या नहीं रख सकता तो मुख्यमंत्री जी हमें बताएं कि आप ग्रीवेंस कमेटी में विधायकों को काजू खिलाने के लिए बुलाते हैं, चाय पिलाने के लिए बुलाते हैं,
और सबसे ज्यादा मुझे दुख इस बात का हुआ, हमारे सांसद बैठे हुए थे, शहर के और एमएलए बैठे हुए थे, भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी ने जब ये कहा कि विधायक ग्रीवेंस कमेटी के अंदर जनता की समस्या नहीं रखेंगे, सब लोग तालियां बजा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात है? या तो मैं कोई व्यक्तिगत काम लेके गया हूं, आपने ठोकर मार दी, या कोई मैं ऐसी चीज की बात कर रहा हूं आपसे, मतलब एक सीवरेज सफाई के लिए जहां आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, उस कीचड़ के पानी में कोई बहन बेटी बिना कपड़े उठाई जा सकती है? और वहां सारे भाजपा के कार्यकर्ता, सांसद, भाजपा के विधायक, मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, आप वीडियो में देखेंगे, क्या ये मुख्यमंत्री जी को शोभा देता है? ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी बात हमारे गोबी भाई बताएंगे। मुख्यमंत्री जी तो आपकी बात पैदा कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हो बीजेपी के, चाहे एमपी हो, ऐसी बात सुन के विधायक का क्या करना है भाई? अगर उसको आप इन्वाइट करते हो ग्रोवेंसी कमेटी में, तो फिर वो क्या काम नहीं बताएगा अपने हल्के के, वहाँ से समस्या नहीं बताएगा, तो फिर वहाँ शो पीस थोड़ी है विधायक, उनकी फोटो खिंचवाने के लिए? अभी हमने तो बड़ा इतना लोकतंत्र बढ़िया तरीके से चला रखा है, अभी सारे विधायक बुला रखे हैं, ओपोजिशन के भी रखे हैं, लेकिन उनको शो पीस में सजाने के लिए जनता ने विधायक नहीं बनाया है। जनता ने उनको विधायक ही इसलिए बनाया है कि वो अपने हल्के की समस्याएं वहां रखें। तो ये कौन से कानून के तहत? मुख्यमंत्री जी को राजा थोड़ी है भाई आदेश दे दिया अभी मैं किसी विधायक की बात नहीं सुनूंगा। वो भी उसी लोकतंत्र के माध्यम से बने हैं और उन्हीं विधायकों के माध्यम से बने हैं, उसी जनता के माध्यम से बने। तो मुख्यमंत्री जी को इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए कि तानाशाह नहीं हो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आप राजा हो, आप सेवादार हो, आपको लोगों ने सेवादार के तौर पर चुना था, लेकिन अहंकार आ गया तो अहंकार का तो रावण का नहीं रहा, मुख्यमंत्री और इनका कहाँ रहेगा? तो ये तो देखो, लोकतंत्र तो है ही नहीं, बीजेपी की आरएसएस की सोच में ही नहीं है, उनकी सोच से बाहर है लोकतंत्र, संविधान की हत्या वो कर चुके हैं। आप देख रहे हो ना कैसे कैसे फैसले हो गए, हाई कोर्ट फैसला देता है, छुट्टी वाले दिन उसकी सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट स्टे कर रहा है। शर्म की बात है कि हमारे इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर जुडिशरी को किस तरह से डिसीजन दिया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र सरकार को 30 दिन का टाइम था, कर लेते अपील, कर देता रूटीन में फैसला सुप्रीम कोर्ट, क्या दिक्कत है, स्टे करे कुछ भी करे, लेकिन छुट्टी वाले दिन ऐसी कौन सी इमरजेंसी लगी थी? और उस आदमी की का स्टे हो रहा है जो व्हील चेयर पे, इतना बड़ा आतंकवादी है वो व्हील चेयर पे चलता है, प्रोफेसर साईं बाबा जी, तो इन्होंने तो ठेका ले रखा है भी देश के अंदर अराजकता फैला दो और हिटलर वाले रास्ते में चले हुए हैं। हमारे देश में ऐसा हो सकता है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो दाने दो और अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400 गुना फीस बढ़ा दो बच्चों की, जिनको 5 किलो दाने में आप जिंदा रख रहे हो, क्या वो इसे पढ़ा पाएंगे? ये तो मतलब जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिसमें मीडिया भी है, इनको भी विचार करना चाहिए कि ये चल कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, ये सारे के सारे मतलब जैसे नदियां समुद्र में गिर के खत्म हो जाती हैं, ये पूरे देश को समुद्र में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं वक्त पे जागेगा वो हिस्सेदार नहीं बनेगा इस संग्राम। तो आप, मैं तो आप सब लोगों के माध्यम से जनता को अपील करूंगा कि वक्त रहते जाग जाओ, वरना देश को बर्बाद करने का ठेका आरएसएस की सोच वाले लोगों ने ले रखा है, और ये बहुत खतरनाक सोच है, इससे वर्ल्ड वार हो गया था इसी सोच से, तो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, हिटलर ने यही काम किया था, उसी रास्ते पर ये तो, और मैंने इसके ऊपर सवाल भी लगाया है। अब सवाल का क्या जवाब आएगा उसके बाद हम फिर आपको इसके बारे में बताएंगे भाई, अगर ग्रीवेंसी कमेटी में ग्रीवेंसीज ही नहीं रखने, चाहे वो एमएलए हो चाहे कोई आम आदमी, तो फिर वो ग्रीवेंसीज कमेटी पे इतना जनता का पैसा बर्बाद करने की जरूरत क्या है? बंद कर दो इसको, एक तानाशाही ऑर्डर और कर दो, सबको पता चल जाएगा समाज विकास हो गया है, सारी जगह बंद कर दो, फरीदाबाद में बंद क्यों करते हैं? और फरीदाबाद में मर गए ना सीवरेज में 2 आदमी, चार चार।
ये लोग किसी को बख्शेंगे नहीं, जो फंस जाए वो मतलब सारा देश देशद्रोही है। सिर्फ आरएसएस के चंद लोग जो हैं, अब दो अडानियां बन गए। जिस दिन अडानी और अंबानी को कोरोना में भी फायदा होता है, बाकी सबको नुकसान है। देश का एक आदमी बता दो जिसकी जेब में पैसे अडानी अंबानी के बगैर आए, आप भी अपनी जेब कटोड़ के देख लो कितने घाटे में। ये आरएसएस के सोच वाले लोग और खास करके ये हमारी बीजेपी पार्टी जो है, ये देश के लिए अशुभ है, इससे जलती वक्त रहते बने। इसमें क्या प्रॉब्लम नेता प्रतिपक्ष आपने बात की, इसको लेकर सेशन आएगा, पूरी बात करेंगे, सब विधायकों से बात हुई, सबके संज्ञान में मामला। हमने सवाल लगा दिया है कि अभी आपने सिर्फ कांग्रेस वाले विधायकों से की या बीजेपी वालों से भी? बीजेपी वाले तो ताली बजा रहे थे वहाँ। अंत भक्तों से बात थोड़ी होती है कभी, ये तो आप पूछो जिनका दिमाग खुला है उनसे बात होगी। अगर ऐसा होता है तो अधिकार जनप्रतिनिधि हो आप, विधायक हो, और इस तरह की स्थिति आपके सामने आती है, तो क्या आप इसको क्या कैसा महसूस करते हैं? क्या ये एक बेइज्जती है, एक अपमान के तौर पे लेते हैं इसको कि इस तरह का एकदम से फैसला लिया जाए और फिर जो ताली बजाई जाए? देखो सबसे बड़ी तो बात ये है, सरकार को अपने उप मुख्यमंत्री जी पे विश्वास नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी ने मीटिंग में ये कहा कि बड़ी अच्छी बात है नीरज ने प्रश्न लगाया, और उन्होंने बाकी विधायकों को भी कहा कि मैं हर जब भी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आऊंगा एक एक समस्या आपके इलाके की भी सुनूंगा, कोई विशेष समस्या है। अच्छा, ये कोई छोटी मोटी समस्या है नहीं। और मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री के फैसले को ही पलट रहा है, इससे किस नुकसान किसका हुआ? बाल कल्याण में रहने वाली बेटी का, वैद रोड पे रहने वाले लोगों का, जीवन नगर पार्ट वन पार्ट टू में रहने वाले लोगों का, QRG हॉस्पिटल में चार लोग मर गए सीवरेज में डूब के, उसके बाद भड़कल विधानसभा क्षेत्र में अभी पीछे एक भाई रात को लाश मिली है उसकी सीवरेज में डूबने से, पीछे कई और मर गए, सचिन शर्मा बेचारा गुजर गया सड़क में गड्ढे की वजह से। अरे आपको बात तो ये करनी चाहिए थी, सीवरेज की वजह से इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? ऐसी क्या आग लग रही है? अमृत का इतना हजारों करोड़ का पैसा आ रहा है, FMDA लगा रही है, नगर निगम लगा रहा है, HSBP लगा रहा है, और उसके बावजूद आदमी मर रहे हैं सीवरेज की वजह से। पूरे देश में कहीं नहीं सुना होगा आपने इस तरीके के कारनामे। बजाय उस पे कि आप कोई एक्शन लें और उप मुख्यमंत्री जी से अच्छा रिजल्ट दें शहर की जनता को, आपने कहा जी आप तो अपनी बात ही नहीं रखोगे। अरे आप अपना कोई भी कानून बनता है नई डेट से बनता है, जो पुराना एजेंडा लग गया एजेंडे में एजेंडा नंबर 8 आ गया, आप उसको पूरा तो पढ़ने दो। आप वीडियो में देखेंगे बस MLA ये परिवाद MLA NIT 86 श्री नीरज शर्मा द्वारा रखा गया है, इतने में तो बिजली का सा करंट लग गया यार, NIT 86 का नाम सुनते नहीं चाहिए। अब कानून बनाने के लिए भी विधानसभा बुलानी पड़ेगी। हाँ, अगर जो कोई ऐसा कानून है, या तो अगर जो कानून था विधायक अपनी बात ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में नहीं रख सकता, अपने क्षेत्र की समस्या नहीं उठा सकता, तो इसी सरकार के हिस्सा है मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अलाउड क्यों किया? उनकी गलती है। और अगर जो खट्टर जी नया कानून बनाना चाहते हैं तो ये एज ए ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन तो नहीं बना सकते। बिल लाएंगे विधानसभा में पेश करेंगे, हाउस पास करेगा, उस समय पता लग जाएगा सत्ता दल के विधायकों का क्या रुख है। ये तो एक तरीके से तुगलकी फरमान हो गए ना, जो हमारे योगी भाई कह रहे थे, ऐसे थोड़ी देश चलेगा। बिल्कुल उठाएंगे बाबू जी, विधानसभा में भी उठाएंगे। और देखो मैं बहुत अहिंसावादी व्यक्ति हूँ, हम गोडसे के विचार नहीं मानते, महात्मा गांधी जी के विचार मानते हैं, उम्र दराज व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता उस दिन भी बहुत कुछ कह सकता था उनको। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके द्वारा, मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद में दोबारा ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने आओगे और नीरज शर्मा को बुलाओगे, मेरी विधानसभा में बिना बारिश के जल भराव मिला, कीचड़ मिला, उसी कीचड़ में स्नान करके मैं ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग अटेंड करूंगा। उम्र दराज है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंकूंगा। जब भी आपको शर्म ना आए तो मेरे पास फिर अल्फाज नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने जब सरकार को जगाया है
तो अपने तन पे कष्ट लेके जगाया। 54 दिन में नंगे पैर चला, बिना सिले वस्त्र पहन के चला। ठीक है, छोटी मोटी कुछ तो जांच करी, रिकवरी आज तक नहीं करी है इन्होंने। बड़े मगरमच्छों को बचा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का फर्क डाल रहे हैं। छोड़ूंगा उस लड़ाई को भी नहीं, परंतु या तो मेरी विधानसभा में सफाई करा दो, सीवरेज ठीक करा दो, सड़कें बना दो। मेरी विधानसभा में जल भराव मिला और आप ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग अटेंड करने फरीदाबाद आए। देखो सर से लेके यहाँ तक तो डालूंगा नहीं, यहाँ गर्दन से कीचड़ स्नान चालू करूंगा पैर के जूते तक, और उसी कीचड़ स्नान करके आपके समक्ष आपकी बगल में बैठूंगा। फिर आप कानून बनाना कि कौन सा कानून ऐसा है जो विधायक कीचड़ स्नान करके आए और आप उसको अपनी बगल में बिठाने से मना कर सकते। Thank you.